बेटे बेटे माज कर दे, माज कर दे। सॉरी गाइस, आई एम सो सॉरी, आई एम सॉरी बाबू। तो फाइनली इतने बरसों के बाद फाइनली गाइस Q&A वीडियो आ चुका है। एंड सॉरी सॉरी, चुप, बिल्कुल चुप, स्टॉप इट, गेट सम हेल्प। तो गाइस अब मैं रीजन बताता हूँ। तो रीजन ये है कि मैं देखो एडिट, तो मैं वीडियो एडिट कर रहा था एंड उसी टाइम पे BGMI आ चुका था जो कि मेरा फेवरेट गेम था अर्ली एक्सेस। तो इसीलिए इसी चक्कर में थोड़ा खेल चुका था, मैं बार भूल ही गया था कि मैंने Q&A वीडियो बनाना, तो इसी चक्कर में आज थोड़ा सा गलती हो चुका है। तो चलिए आज का वीडियो को स्टार्ट कर लेते। तो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सभी लोग, फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CA गेमिंग पे। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ मैं बता देता हूँ, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया 35K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा देने के लिए। एंड सेकेंड चीज़, इस वाले Q&A में मैं पहली बार Q&A वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, किसी का शायद नाम गलत मैं बता दूँ, तो यार माफ़ कर देना। एंड चलो गाइस, और एक और चीज़ मैं बताना भूल गया था वीडियो के स्टार्ट होने से पहले, बता भी देता हूँ। तो ये चीज़ है कि कुछ मैंने देखो सारे कमेंट मैंने रीड किया है एंड कुछ कमेंट मैंने मतलब जो है लिया है, तो सारे का तो नहीं ले सकता, फिर वीडियो एक घंटे का बन जाएगा, फिर कोई नहीं देगा, फिर बोलेगा अरे भाई इतना लंबा वीडियो क्यों बना रहा है। तो कोई नहीं, तो सबका मैंने रीड किया है एंड आप लोग बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हो एंड थोड़ा बहुत मैंने सबका एक कुछ एक ही टाइप का कमेंट आ रहा था, इसीलिए ठीक है एक एक कमेंट मैंने लिया है। तो चलिए आज का वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विथ इंट्रो। तो चलिए आज का Q&A का पहला क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा, तो यार ने पूछा है कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 30K, तो थैंक यू यार। और इसने पूछा है ब्रो आपकी एज कितनी है, तो मेरा एज है 18। और इसने एक और पूछा है और आपका यूट्यूब 1K पहुंचने में कितना टाइम लगा, तो देखो मेरा यूट्यूब का 1K पहुंचने में मेरे को तो 4 मंथ लगा था आप लोगों के सपोर्ट के वजह से, तो मेरा तो 4 मंथ में ही 1K हो। तो अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। तो नेक्स्ट सवाल पूछा है भाई आपका GF कितना है। well done. अरे भैया हमें एक भी नहीं मिल रहा है, तुम कितने के पीछे पड़े हो यार। अच्छा है मैं अंधा हूँ, सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है भाई आपका रिएक्शन क्या था जब आपका 1K हुए, तो देखो भाई रिएक्शन क्या ही होगा, मतलब बहुत ही एकदम अच्छा लग रहा था जब 1K हुआ था। देखो 1K होने से पहले बहुत मतलब मज़ा आ रहा था यार, 1K होगा अब 900 सब्सक्राइबर हो चुका है, तो यार यही था एंड पार्टी तो चल रहा था और 2 दिन तक मैं सिर्फ सोच रहा था अरे भाई 1K हो गया यार, सपना पूरा हो चुका है यार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है भाई क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ प्लीज़ बता दो। तो मेरे टूथपेस्ट में तो नमक नहीं है एंड मैं कभी सोच रहा था जब ये TV में ऐड आता ना, मैं सोच रहा था अगर ये सवाल कोई मेरे को अगर पूछे तो वो दिन फाइनली आ गया। तो मेरे टूथपेस्ट में नमक नहीं है, मैं ऐसे ही समझ रहा हूँ। Well, stop! तो गाइस अभी आता है नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा है हैशटैग Q&A व्हाट इज योर एज और कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 30K। तो आपको यार थैंक यू एंड मेरा एज आपको मैं पहले बता दिया हूँ, मेरा एज है 18। एंड यार गाइस अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो इसने पूछा है कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 30K और माइनक्राफ्ट किसने खेलना सिखाया और कब से खेलना स्टार्ट किया प्लीज बताओ, लव ब्रो गुलाबी दिल। क्या बोला तूने? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने माइनक्राफ्ट खेला था शायद 2019 से स्टार्ट किया था खेलना, और अगर बात करें तो किसने सीखा है, तो देखा जाए तो गेम मैंने पूरा मतलब टू देख के मैं सीखा हूँ। एंड अगर बात करें तो किससे मतलब लिया था, तो मेरा दोस्त वो एक दिन खेल रहा था एक हरा गेम स्क्वायर, जैसा मैंने बोला यार ये क्या गेम खेल रहा है तू, वो बता रहे यार सही गेम है, एक सर्वाइवल गेम है, तू भी लेना चाह रहा तो ले ले।
मैंने बोला चलो दे दे यार, देखता हूँ कैसा गेम है। फिर उसके बाद ट्यूटोरियल देख देख के मैंने पूरा गेम समझा, एंड उसके बाद से माइनक्राफ्ट का बिग फैन मैं बन गया। को पैसा बर्बाद। तो अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। तो इसने पूछा है, पिक माय क्वेश्चन, व्हेन इज योर फेस रिवील। वेल डन। तो फेस रिवील की बात करें तो देखो गाइस, मैं अभी फेस रिवील नहीं करने वाला, तो मैं करने जा रहा हूँ फेस रिवील जब मेरा पहला सिल्वर प्ले बटन आएगा, उसी टाइम पे मैं मेरा फेस आपके साथ शेयर करूँगा, तब से फेस कैम गेम प्ले भी होगा। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो इसने पूछा है, क्या तू पबजी खेलता है? अरे भैया, इसी चक्कर में तो कि मैंने वीडियो लेट आ गया है वो BGMI खेलते खेलते। Well done. तो गाइस अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो इसने पूछा है, व्हाट विल यू डू इफ यू गेट 10 मिलियन सब्स? तो बेटे अब बेटे मौज कर दी। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो अभी मैंने कुछ नहीं सोचा है 10 मिलियन का, मतलब कुछ सोचा ही नहीं, मेरे को पता है क्या होगा या नहीं होगा, तो मेरे को कुछ नहीं पता था इसीलिए मैंने कुछ नहीं सोचा है। बट अगर होता है तब देखा जाएगा, तब तो भाई और क्या ही बताए। ओके तो चलो अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो इसने पूछा है, आपने अपना चैनल स्टार्ट कब किया और ग्रो कैसे किया? तो मैंने मेरा चैनल स्टार्ट किया था समथिंग 13 जून 2020 को। तो मैंने मेरा चैनल ग्रो किया था कुछ ऐसे, मतलब रेगुलर वीडियो अपलोड करता रहा, एक अच्छा अच्छा थंबनेल बनाता रहा, क्वालिटी वीडियो का चेक करते रहा, और जो है हैशटैग टैग ये सब देते रहा। उसके बाद ऑटोमेटिकली अभी जो चैनल है ग्रो होना स्टार्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को बोला। जो आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना भाई, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। तो इसने पूछा है, आपकी क्रश का नाम और जेब का नाम प्लीज बताना, ऐसा मत करना कि कोई नहीं है यार ये ऐसा ऐसा। तो अभी आते हैं इनके ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इस बंदे ने। तो इस बंदे ने पूछा है कि यार, व्हाट इज योर फेवरेट गेम, माइनक्राफ्ट, बैटल रॉयल गेम्स, आरपी गेम्स? तो देखो, मेरे फेवरेट गेम की अगर बात करें तो पहला गेम है बैटल रॉयल का जो है BGMI, एंड उसके बाद माइनक्राफ्ट, एंड अभी तो अगर और बात करें तो मैं क्लैश ऑफ रॉयल और क्लैश ऑफ क्लैंसिस दोनों को भी थोड़ा थोड़ा करके खेल लेता हूं, तो ये गेम ही चलता फिरता रहता है ये तीनों गेम। तो अभी आते हैं गाइस अगला सवाल के ऊपर। जो ये अगला सवाल है काफ़ी बड़ा है। तो इसने पूछा है, डू योर पेरेंट्स नो यू हैव यूट्यूब चैनल? दूसरा क्वेश्चन पूछा है, इफ दे नो व्हाट वाज देयर रिएक्शन व्हेन दे नो, इफ दे डोंट नो व्हेन विल यू टेल? अभी तीसरा क्वेश्चन, टेल यू सम फनी मोमेंट इन योर स्कूल लाइफ एंड लव योर वीडियोस, तो थैंक यू। तो देखो, ये जो चीज़ है ये मेरे हाल फिल सामने ही हो चुका है, मतलब कुछ दिन पहले मेरा जो यूट्यूब का फर्स्ट पेमेंट आया था, एंड उस दिन मैंने बताया था कि मेरा यूट्यूब चैनल है। तो बेसिकली उन लोगों को यूट्यूब चैनल के बारे में उतना कुछ पता नहीं है, बट फिर भी मैंने बताया मैं यूट्यूब में वीडियो डालता हूँ एंड उधर से थोड़ा बहुत कमाई कर लेता हूँ। तो इससे यार वो लोग तब बहुत ही अच्छा बोल रहे थे, यार चलो कोई नहीं कुछ तो अर्न कर रहा है। तो बात करें स्कूल लाइफ की फनी मोमेंट के बारे में, तो एक दिन मेरे को पता नहीं था, घर में कोई नहीं था, ठीक है, तो उस दिन संडे था, बट मैं सुबह उठ के सब कुछ मतलब खा पी के नहा धो के एकदम मेरा जो यूनिफॉर्म है वो पहन के रेडी हो चुका था, बाहर निकला साइकिल लेके, एंड फिर पता चला आज तो संडे है, मतलब पोपट हो गया था उस दिन। तो यही था एक फनी यार स्कूल लाइफ का फनी मोमेंट। एंड हाँ, तब मैं 6th क्लास में था, तो थोड़ा बहुत असल के कच्चे। ओके तो चलिए अभी आते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। तो जो नेक्स्ट सवाल पूछा है वो है, कौन सी चड्डी पहन? अरे अरे वाह शेर, वो तुम तो वेल डन, गजब बेइज्जती है। तो अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why are you select CA Gaming? तो जो CA Gaming है, तो ये मैंने सिलेक्ट किया था कि जो मेरा नेम है, तो मेरा नाम और टाइटल के हिसाब से मैंने जो है मेरा
CA Gaming को रखा है तो ऐसा ही है, तो इसलिए मैंने CA Gaming सिलेक्ट किया। तो चलिए अभी आते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। तो नेक्स्ट सवाल है Q&A, क्या आप हमेशा से यूट्यूबर बनना था, एंड हु इज योर इंस्पिरेशन, लव फ्रॉम हैदराबाद। तो इसने तो जो पूछा है तो बहुत ही अच्छा सवाल है। तो देखो, हमेशा से हाँ, मेरा एक सपना था मैं भी एक यूट्यूबर बनूँ। और दूसरी चीज़, इंस्पिरेशन की बात करें तो मेरा जो इंस्पिरेशन है वो है बीस्ट बॉय सूप और टेक्नो गेमर्स। एंड इन दोनों के भी से कोई भी एक का अगर चुने तो मैं तो यार बीस्ट बॉय सूप को बहुत पहले से देखता हूँ, एंड उसके जैसा मैं चैनल बनाना चाहता हूँ। तो अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर फुल नेम एंड विच टाइम यू फेस रिवील। तो मेरा जो पूरा नेम है वो है चयन अधिकारी, एंड जो मेरा फेस रिवील का है आपको तो पहले बता ही चुका हूँ, जब मेरा सिल्वर प्ले बटन आएगा तभी मैं फेस रिवील करूँगा। एंड जो ये सब मेरा जो नाम, मेरा एज, मैं कहाँ रहता हूँ, ये सब मेरे यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हो। तो अब बात है सेकेंड सवाल के ऊपर। तो जो सेकेंड सवाल है वो पूछा है, क्या आपकी अर्निंग स्टार्ट हो गई। तो हाँ यार, मेरा अर्निंग स्टार्ट हो गई, एंड अभी तो मेरा फर्स्ट पेमेंट आया है, तो यूट्यूब से अर्न करने लगे हैं आप लोगों के सपोर्ट के वजह से। अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। तो जो अगला सवाल है वो है, माय क्वेश्चन इज योर पेरेंट्स सपोर्टिंग। तो देखो यार, पेरेंट्स तो हाँ यार, तो थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैंने मेरे जो है बोला था कि एक PC खरीद देने को, तो मेरे को एक PC दिला दिया है। तो हाँ यार, बोल सकते तो हाँ, सपोर्ट करते हैं। तो आज के Q&A का आखिरी सवाल, तो ये सवाल पूछा है, टेल मी अबाउट योर जर्नी टू YouTube। तो मेरा YouTube जर्नी के बारे में अगर मैं बताऊँ तो इस वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, बट आपको मैं छोटा सा, मतलब छोटा करके मैं बता देता हूँ। तो मेरे YouTube जर्नी अगर मैं बात करूँ तो देखो यार, मेरे को तो एक यूट्यूबर बनना था, एंड मैंने यार बहुत हार्डली मैंने जो है काम किया, एंड फाइनली मेरे को सक्सेस मिल गया। एंड मतलब यार, मैं हर दिन वीडियो अपलोड करता था, अभी तो वीडियो अपलोड बहुत ही कम हो चुका है, बट पहले बहुत, मतलब हर दिन एक करके वीडियो अपलोड करता था। एंड और भी कुछ है जो अभी इस वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है, ये छोटा सा, एकदम छोटा सा चीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया। तो आई होप गाइस आपको ये वाला Q&A बहुत पसंद आया होगा। एंड एक और चीज़, रुको, कोई भी अनसब्सक्राइब मत करना, क्योंकि यार बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। एंड यार, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जिन लोगों का क्वेश्चन मैंने नहीं पिक किया कर पाया, तो यार प्लीज़ यार माफ़ कर देना। एंड अगर आप लोग, मतलब मेरे को क्वेश्चन करना चाहते हो, तो आप लोग डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो यार, वहाँ पर मैं मतलब हर किसी के साथ हर दिन बात करता हूँ। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड का लिंक दिया है, तो जाके ज्वाइन करो। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, एंड अगर हो सके तो सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, सभी का लिंक इन डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए, ज़्यादा ज़्यादा एक और चीज़ बताना चाहता हूँ यार, मैं ख़रीदने जा रहा हूँ एक नया मोबाइल, एंड जब मैं नया मोबाइल खरीदूँगा तब से हम लोग फिर से वापस से लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं। तो चलिए, आज का वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।
वेल डन।